हाय विवेक, दमन कैसे हो आप? कैन आई सिट? अरे वाह, पहली बार किसी लड़की ने इतनी मुझे इज्जत दी यार. मुझे बहुत अच्छा लगा. दमन आप बहुत प्यारी हैं. पता है लड़कियाँ दो तीन टाइप्स की होती हैं. एक होती हैं बहुत सुंदर, एक होती हैं बहुत हॉट, और एक होती हैं बहुत प्यारी, बहुत हॉट और बहुत क्यूट. आप पता है कौन सी वाली हो? सुन तो लो, आप कौन सी वाली हो? पहले बताओ मैं कैसे लग रहा हूँ. फिर तो बहुत प्यारी है. फिर तीसरी वाली आप हैं. सच में मैं हैंडसम लग रहा हूँ? यस. मतलब यार पहली बार किसी लड़की ने, देखो यहाँ पूरी शिपी की बात कर रहा हूँ, आपसे सुंदर कोई लड़की है ही नहीं. मैं तो आपकी क्यूटनेस पे फिदा हो गया यार. लाइक अमेजिंग हो आप, काफ़ी कमाल के हो. क्या खा रहे हो वैसे? च्युइंगम. मुझे भी खिला दो यार. आई नहीं, नहीं खा. आई डोंट हैव इट. अब नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं है, जो है उसी से काम चला लेंगे. आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं. वैसे क्या करती हैं आप? आई एम वर्किंग. कहाँ पर? आई वर्क फॉर WNS. WNS? सैलरी अच्छी मिल रही है? ठीक ठाक मिल जाती है. ठीक ठाक मिल जाती है मतलब. हाँ अच्छा, आपका इंजीनियर के बारे में क्या ओपिनियन है? इंजीनियर के बारे में तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ. फिर आपका क्या ओपिनियन है? आई हैव फ्रेंड्स, इंजीनियर्स आर लाइक बोरिंग. नॉट बोरिंग, यू कैन से दे आर ओके. व्हाटएवर, छोड़ो ना, जो भी है, क्या करना हमको. क्योंकि हम इंजीनियर, हाँ कह सकते हो. IIT वाले हैं, थोड़ा नाम अच्छा है. Okay. लेकिन कभी 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 हम भी बहुत थक जाते हैं. और आप जैसी लड़कियाँ जब CP में आती हैं तो हमें अच्छा लगता है देख करके. इतनी खूबसूरत आप यहाँ लड़कियाँ ताड़ते हो. कह सकते हो यार, अब इसके लिए चाहे मुझे कोर्ट मिले जाकर के जेल ही क्यों ना करवा दो, फांसी हो जाएगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं. भगवान ने इस दुनिया में दो सबसे खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, पता है क्या? पहली लड़की और दूसरी माया, दोनों तुम ही हो. आर्ट को कौन नहीं देखना चाहता ये बताओ? आर्ट को बोरिंग लोग नहीं देखना चाहते लाइफ में. ये बात सही है, लेकिन मैं वो इस टाइप का बिल्कुल नहीं हूँ. आप तो बहुत मुझे खुश मिजाज लग रही हैं. हो सकता है मेरी एक लाइन है जो आप पे बहुत सटीक बैठेगी. ऐसा लगता है आप खुद में ही खोए रहते हो. ऐसा लगता है आप खुद में ही खोए रहते हो. कुछ ना कुछ तो आप तराशते रहते हो. वो हीरा मैं हूँ, आपके पास बैठा हूँ. Do you give this to everyone around the CP? मैं अगर सच बोलूँ तो मैं बहुत सारी लड़कियों को बोलता हूँ, लेकिन लास्ट आप हो. लास्ट. अब आज की बात नहीं, line for every guy, नहीं कह सकते हो, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ. और सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू. आई डोंट लाइक अदर गर्ल्स यार. बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं मुझे, उनकी हॉबीज़ अच्छी लगती हैं, बाल अच्छे लगते हैं वगैरह वगैरह, चीक्स वगैरह. बट आपका तो जो बात करने का तरीका है, आपकी जो आँखें हैं, मतलब आपकी ओर खींच रही हैं वो. कहीं ना कहीं मैं सच बोल रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं मैं डूबता जा रहा हूँ आपकी तरह. एक कहावत है ना मेरी, बहुत पुरानी सी मेरी लाइन है. देखो मैं यहाँ लड़कियाँ देख भी रहा हूँ अगल बगल कोई, लेकिन आप जैसी कोई दिख ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ. वैसे कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली से हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ, नवाबों के शहर लखनऊ से हूँ. दिल्ली में दिल के साथ क्या जोर से खेलते हैं, दिल्ली में दिल के साथ क्या जोर से खेलते हैं. मोहब्बत बड़े शोर के साथ करते हैं, उसी के साथ काटते भी हैं, और हमें ही बेवकूफ़ बनाते हैं. बाद में कहते हैं साले तुम तो गुलाम थे. तीन चार साल की मोहब्बत को बदनाम कर देते हैं. कसम भगवान से चौराहे पे लाकर इज्जत को लिलाम कर देते हैं. Very nice. इतना ही अच्छा हूँ तो हाँ कह दो ना. मतलब मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा हूँ या फिर मेरे अंदर? आप मुझे अच्छा लग रहे हो. आप, यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ काइंड पर्सन, एंड यू हैव गुड दिस शायरी थिंग, सो I think not all guys can do this. कभी कभी मेरा दिल करता है मैं इधर से उठकर इधर बैठ जाऊँ. अब पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उस तरफ से आपको करीब से देख नहीं पा रहा था. तारों ने हमसे कहा कि तुम्हारा क्या गुनाह, तारों ने हमसे कहा तुम्हारा क्या गुनाह. अब ये सब पूछो मैं क्यों सुना रहा हूँ? क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हो गया. ओह माय गॉड, दैट्स बैड. एक बहुत डीप लाइन सुनाता हूँ आपके दिल को, हो सकता है वो लाइन हमारी छू जाए. वो मेरे बिस्तर पर आ कर के मेरे जख्मों को ताज़ा कर देते थे. वो मेरे बिस्तर पर आ कर के मेरे जख्मों को ताज़ा कर देते हैं. मेरे जिस्म को छू कर के मुझे ही वो बर्बाद कर देते हैं. हर बार मेरे साथ वो खेलते हैं, जिस्मों को सामान समझ कर, और बाद में बाज़ार में ले जाकर बेच देते हैं. वेरी डीप. I guess you were a heartbroken guy and कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी. मतलब मुझे लगता है कि I think only a broken heart can do this. अच्छा. That's nice. सच में? Yeah. तो शादी कर लीजिए फिल्म से. इज्जतदारों को, एक और सुनिए. इज्जतदारों को इज्जत की फिक्र होती है,
वरना तो कोठे पे तवायब भी होती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप लाइन है। इज्जत की फिक्र होती है, वरना कोठे पर तो तवायब भी होती हैं, लेकिन वो भी खुदगर्ज होती हैं, कम से कम पैसे तो लेती हैं, यहाँ तो इज्जत को ही बेच देते हैं और बाद में गलतियाँ हमारी ही निकाल देते हैं। Very nice, like you doing good, excellent. लेकिन देखो मैं टैलेंटेड बहुत हूँ, आपको पता है मेरी जो लाइनें हैं ना वो बहुत दुनिया में पता नहीं किस किस कोने में छिपती है, छापी जाती हैं। और सच बताऊँ मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है पहली बार, मतलब पहली बार का मोहब्बत आपको लगता है कि लाइक इट्स सीरियस? तो मुझे आपसे हो गई है फिर। अब आप चाहें तो हमारा इसको मुकम्मल कर दें। वैसे आप कहाँ रहते हो अभी रिसेंटली दिल्ली में? साकेत रहती हूँ। ओके, बॉयफ्रेंड है कोई आपका? नहीं। दिल करे तो बोल। तो फिर मैं कैसा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ ना, कमी क्या है मुझमें? थोड़ा हाँ, मेरा जो है हार्डवेयर थोड़ा सा डाउन है, बट कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर मेरा बहुत अच्छा है। और आप बताइएगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो हो भी सकता है। हाँ, तो फिर वो तो मैं बता रहा हूँ ना, अच्छे से उसको अपडेट भी कर दूंगा। आप जाना चाहेंगे एक लाइन और चल लीजिए, फिर आप जा सकती हैं। क्या मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं। कुछ सवालों के जवाब तो दे दो जाने के पहले, मुझसे बेहतर तुम्हें और मिल जाएंगे क्या? मेरी लाइनें सुनना, मुझसे बेहतर तुम्हें और मिल जाएंगे क्या? माना वो तुम्हारे साथ और प्यार करेंगे क्या? इतना भी बुरा नहीं साहब, पैसा हूँ जेब में रख लो, जब चाहे खर्च कर लें। Very nice dude, you're doing good and honestly a day will come and you'll find a better one, so इतना तो भरोसा करो मुझ पर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, डोंट वरी। देखो यार, वैसे मेरे पास आईफोन 12 भी है, अगर उसमें देना चाहो जस्ट किड। नहीं नहीं, आई एम नॉट आईफोन पर्सन। एक बात बोले, एक बार हाय करो ना। पूछो क्यों? क्योंकि आपको छूने का मन था, जस्ट किड। आप ये नंबर है, नाम तो बता दो। दमन। दमन, ओके, डी के नाम से मैं सेव कर ले रहा हूँ। दमन, ये बताओ तो कब फ्री हो आप? एक डेट तो बनती है आपके साथ, संडे को? पक्का ना? वाइट फीलिंग, नॉट अ ब्लैंक गर्लफ्रेंड टाइप। देखो एक सुन तो लो यार। अच्छा, हम बात करते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बोलूँ क्या, वो कैमरा लगा एक बार आए तो कर दो। चलो ठीक है, लड़कियाँ तो मुझे और मिल जाएंगी बहुत सारी, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं और आप ऐसे ही हंसते रहा करिए हमेशा। नाइस टू मीट यू। एक बार छूने तो दो यार।